नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग अपवर्तक, विभाजक, अपवर्त मतलब गुणज, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा। जी हाँ दोस्तों, फैक्टर मल्टीपल, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो दोस्तों ये हमारे वीडियो सीरीज की पार्ट 6 है। तो सबसे पहले दोस्तों हर बार की तरह हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को डिस्कस करेंगे, उसके बाद अति लघु उत्तरीय होगा, उसके बाद दोस्तों होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आज का दोस्तों पहला प्रश्न हम देखने वाले हैं, और सबसे पहले प्रश्न में क्या बात की गई है कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों, जो भी अभाज्य संख्या होती है वो एक तो खुद से कटती है और एक एक से कटती है, ठीक है, दो चीज याद रखना है। तो दोस्तों कितनी अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड हो गए आपके दोस्तों, होंगे दो होंगे, ठीक है ना। चलिए आपको दोस्तों कुछ एग्जाम्पल भी दे देते हैं। जैसे दो का दोस्तों अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, तो दोस्तों दो का जो गुणनखंड होता है एक और दो हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करें 11 का, तो 11 का एक और दो होगा, मतलब एक और 11 होगा, खुद होगा और एक वन होगा, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो जो दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा बहुविकल्पीय का, इसमें क्या पूछा गया इसको आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि 18 और 81 के बीच 9 के अपवर्तियों की संख्या है। देखिए अपवर्तियों का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए। काफी छात्र दोस्तों ये नहीं समझ पाते कि आखिर अपवर्त होता क्या है। अपवर्तियों का मतलब होता है गुणज। जी हाँ दोस्तों, जिसको मल्टीपल बोलते हैं इसका मतलब होता है आपका क्या होता है, गुणज, ठीक है। तो 18 और 81 के बीच में 9 के अपवर्तियों की संख्या, ये आपको बतानी है। सबसे पहले 18 और 81 के बीच में बतानी है, ना कि दोस्तों 18 और 81 को हमें काउंट करना है। पहले 9 के अपवर्त दोस्तों हम बता दें क्या क्या होते हैं। 9 का हो जाएगा अपवर्त 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, लास्ट में 9 नवा 81। अब जरा दोस्तों आपको बताना है कि 18 और 81 के बीच, मतलब 18 को छोड़ देना है, 81 को छोड़ दीजिए। अब बीच में दोस्तों काउंट करिए कितना होगा, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, ठीक है ना। कितनी आसानी से आपने सीख लिया इसको। तो जो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आप बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर, देख लो यहाँ पर बी लिखा है ना, 6। तो 9 के दोस्तों जो अपवर्त होंगे 18 और 81 के बीच में कितने होंगे, 6 होंगे। तो इसका सही आंसर आप समझ गए। तो अपवर्तक दोस्तों हमने वीडियो में काफी अच्छे से बताया, तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो समझ जाएंगे अपवर्तक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो आज का अगला प्रश्न आप देखेंगे हम लोग, तीसरा क्वेश्चन। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको सोचना है और समझना है। विषम संख्या मतलब होता है ऑड नंबर, ठीक है ना। क्या नंबर होता है दोस्तों आपका, ऑड NUMBER दोस्तों, ये विषम संख्या को बोलते हैं, सम संख्या को बोलते हैं हम लोग इवन नंबर, ठीक है ना। ऑड और इवन आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो जो तीसरा सही आंसर होगा दोस्तों, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड क्या होगा आपका, वो एक होगा, ठीक है, सी विकल्प। तो बस दोस्तों इस आंसर को आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। नहीं तो कुछ छात्र होते हैं भूल जाते हैं, तो कुछ दोस्तों क्वेश्चन को आप ध्यान में रख सकते हैं कि प्रत्येक प्रत्येक जो विषम संख्या होती है उसका जो गुणनखंड होता है दोस्तों उसका कम से कम एक तो होता ही है, ठीक ना। तो तीसरा दोस्तों जो सही आंसर होगा वो सी विकल्प हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों और आ सकते हैं पेपर में आपको, तो ध्यान में रखना है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न हम लोग, चौथा क्वेश्चन। कि चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से 27 का अपवर्तक नहीं है। देखिए अपवर्तक और अपवर्त में आप परिभाषा समझिए। अपवर्तक का मतलब दोस्तों होता है जो इसका हम फैक्टर करते हैं गुणनखंड, अपवर्त का मतलब होता है आपका गुणज। 27 का अपवर्तक नहीं, तो दोस्तों 27 का जो आपका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, एक से कटेगा 27, तीन तीन से कट जाएगा, ठीक है ना। 9 त्रिक 27 होता है और 27 एकम 27, ये बात समझ में आ गई। तो जरा दोस्तों देखिए आप 27 में क्या अपवर्तक नहीं है, तो दोस्तों आप समझ में आ रहा होगा जो 54 दिख रहा है ये कुछ अलग है। तो जिसका सही आंसर हो जाएगा चौथे का वो डी हो जाएगा, ये इसका अपवर्तक नहीं है। 27 दूनी 54 जरूर होता है, ये इसका गुणज हो सकता है लेकिन अपवर्तक नहीं हो सकता, मतलब अपवर्त हो सकता है लेकिन आपका ये क्या नहीं है, अपवर्तक नहीं है, ठीक है। तो चौथा विकल्प आपका सही है। देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपका किसी भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिखे कि अपवर्तक या कुछ भी नहीं है, उसको आप एक बार हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब आंसर करते हैं ना तो आपसे वो कंफ्यूजन में चला जाता है कि यार हमने क्या चीज छोड़ दिया, ठीक है ना। अब आज का अगला प्रश्न देखते हम लोग। तो पांचवा प्रश्न है, 6 और 9 के समापवर्त हैं, ठीक है, इस बार आपको बताना है 6 और 9 के समापवर्त। तो देखते हैं इसके,
देखिए जो समापवर्त होता है दोस्तों, इसको हम लोग एक और बोलते हैं उभयनिष्ठ अपवर्त्य या कॉमन मल्टीपल। तो छह के दोस्तों जो अपवर्त्य होते हैं या समाप, मतलब कैसे निकालते हैं इसको बताते हैं। जैसे छह का पहले पारा एक बार पढ़ेंगे, छह कम छह, छह दूनी 12, छह त्रिक 18, छह चौके 24, छह पंजे 30, छह छंग 36, छह सत्ते 42, छह अट्ठे 48, छह नवाई 54। 54 तक दोस्तों हमने पारे इसलिए पढ़ा कि यहाँ मैक्सिमम 54 दिया गया है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपके नौ की पारे की। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 9 पंचे 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63। आगे जा सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो 18 दोस्तों जरा देखिए, 18 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा, मैच हो गया दोनों में। उसके बाद दोस्तों बारी आती है 36 की। 36 यहाँ पर भी है, 9 के पहाड़ में भी 36 आ रहा है, लास्ट में 54 यहाँ दिख रहा है, 54 यहाँ पर भी है। तो बताने दोस्तों 9 और 6 और 9 को जो समापवर्त हैं, फिलहाल यहाँ पर आप देख रहे हैं 18 36 54, तीनों दिख रहा है। तो आपके जो तीनों विकल्प सही है, तो मतलब जो आपका चौथा विकल्प होगा, ये सभी का यहाँ पर, ये वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों ये आज का अंतिम बहुविकल्पी प्रश्न है, मतलब इस वीडियो का। निम्नलिखित में से 7 का अपवर्त्य है। अपवर्त्य का मतलब मैंने क्या बताया आपको, गुणज, ठीक है ना। तो 7 का गुणज दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 पहले 7 का गुणज, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो आप विकल्प देखिए जरा, 1 7 है, 3 4 है, 7 14 है। तो मतलब दोस्तों आपको जो तीसरा विकल्प है, यही दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन वाले दोस्तों आपको देखने में भी लग रहे होंगे कि आप गलती कर सकते हैं पेपर में। तो आपको ध्यान में रखना है कि यार गलती कहाँ से ना होने पाए। देखिए 7 के जो ये है ना, ये अपवर्त्य है। क्या ये दोस्तों अपवर्त्य आपने निकाला? अगर पेपर में दोस्तों 7 का अपवर्तक आ जाता, 7 का अपवर्तक, तो दोस्तों ये हो जाता 1 और 7, ये क्या हो जाए आपका अपवर्तक, ठीक है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों, आप अपवर्त्य और अपवर्तक में कंफ्यूजन में आते हैं। अगर थोड़ी इंग्लिश आप इसकी सीखेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अब देखेंगे आज के बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। तो जो अंतिम क्वेश्चन था बहुविकल्पीय का, कि 7 का अपवर्त्य है, इसका जो सही आंसर था 7 और 14, ठीक है ना, समझ गए आप लोग। अब देखते हैं दोस्तों आज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 7वां क्वेश्चन क्या है, 210 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो उसको चलिए निकाल लेते हैं। 210 के अभाज्य गुणनखंड, 210 लिखा है। सबसे पहले दोस्तों हम भाग करेंगे 2 से, यहाँ पर 1 से भाग नहीं करना है, अभाज्य संख्या दोस्तों 1 नहीं होती है। तो 2 एकम 2, ठीक है ना। फिर दोस्तों कितनी बारी है, 2 0 में 0, 2 5 10। फिर दोस्तों 3 से भाग जाएगा, 3 3 3 9, 3 5 15। फिर दोस्तों बारी आती है 7, मतलब 5 से भाग कर लेते हैं पहले, 5 7 35। फिर दोस्तों बारी आती है आपकी 7, 7 एकम 7, ठीक है ना। तो 210 के अभाज्य गुणनखंड हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 7। तो हमें लेकिन प्रश्न में ये बताना कि 210 के अभाज्य गुणनखंड है कितने। तो दोस्तों 1 2 3 4, ठीक है, टोटल कितने आ गए आपके, 4। हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो 8वां दोस्तों प्रश्न क्या रहा, कि 25 से छोटे 3 के गुणजों को लिखिए। कि दोस्तों 3 के गुणज आपको बताने, लेकिन वो कितने क्या होना चाहिए, 25 से छोटे होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों 3 के गुणज लिख लेते हैं। 3 के गुणज सबसे पहले दोस्तों क्या हो जाएगा, 3, फिर 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, ठीक है ना। इसको निकालते कहते दोस्तों, अब बस आपको सिंपल था, क्या करना रहता, कभी भी किसी का गुणज निकालना है। सबसे पहले दोस्तों उसमें 1 से गुणा करिए, फिर दोस्तों उसमें 2 से गुणा करिए, जैसे हम 3 का निकाले तो फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर 3 का 4 से करें हमने, 3 का 5 से, मतलब सीरियल से आप ऐसे करते जा सकते हैं जब तक आपका मन करे। आपको गुणज निकालना, जैसे 3 का निकाला तो 3 में 1 2 3 से गुणा किया, अगर 4 का निकालना होता तो 4 में पहले 1 से गुणा करते हैं, फिर 2 से करते हैं, मतलब सिंपल था दोस्तों, आप सीरीज से गुणा करते चलिए, 4 का फिर 3 से, प्राकृतिक संख्या से। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, ठीक है ना। तो 9वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है, कि 50 के सभी अपवर्तक आपको बताने हैं, कि 50 के अपवर्तक क्या क्या होंगे। अच्छा प्रश्न है, 50 में दोस्तों किससे किससे भाग जाएगा आपको ये बताना है, बस बेसिकली आपको ये समझना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप समझ रहे होंगे, 1 से भाग चला जाएगा ना, 2 से भी चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से चला जाएगा ना, ठीक है। ये सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। 5 के बाद दोस्तों 10 से भाग चला जाएगा, 10 से 50 कटेगा, फिर 25 से कटेगा, फिर 50 से खुद कटेगा, 1 2 5 10 25 और 50। तो ये दोस्तों आपके अपवर्तक हो गए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों आप सिंपल तरीका अपना सकते हैं। पहले आप दोस्तों 2 से भाग कर लीजिए, 25 बार गया,
ठीक है ना। तो ऐसे दोस्तों आपको वैसे हो नहीं पाएगा क्योंकि इसमें फिर 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 25, फिर दोस्तों 5 से करेंगे, 5 एक कम 5। इसमें दोस्तों आपको बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा। पहले दो तो आपका एक हो गया सिंपल, दो फिर 5 दूनी 10 करके ऐसे बनाएंगे, फिर 50 25 ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब तरीका होता, फिर 50 तो आपका एक हो ही गया, इसके ऊपर आप एक लिखेंगे, एक तो सब में चला जाता है भाग, आपको एक बात तो पता ही होगी, और 5 आपका एक सिंपल था तो 5 आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तरीका दोस्तों आप निकाल सकते हैं गुणनखंड से, लेकिन ये नहीं कहेंगे दोस्तों, आपको प्रिफेयर नहीं करेंगे आप दोस्तों। जो ये तरीका होता है आप ये सोचिए कि किससे किससे 50 में भाग चला जाता है, तो वो ज्यादा आसान होगा, सिंपल होगा, ठीक है ना। तो ये सब दोस्तों तरीके आप अपना सकते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, 10वां दोस्तों क्वेश्चन हमारा क्या रहा, जरा इसको देखते हैं और समझते हैं कि आपको बताना है कि 30 के गुणनखंड आपको लिखने हैं। अब जब देखिए अभाज्य ना लिखा रहे तो दोस्तों वहां आप एक को जरूर लिखेंगे, अभाज्य लिखा रहे तो वहां एक बाहर हो जाएगा। 30 के लिखने हैं तो 30 में किससे किससे भाग जाएगा आपको बताना। देखिए आपको क्या और बता दें, जो अभी आप अपवर्तक बताते हैं, अपवर्तक और गुणनखंड दोस्तों दोनों एक ही चीज होती है। 30 में किससे भाग जाएगा, एक से कट जाएगा, 30 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, फिर दोस्तों 6 के बाद किससे कटेगा बताइए, सोचिए थोड़ा बहुत आप लोग भी सोचिए। 6 के बाद दोस्तों आपका 10 से कट जाएगा, फिर 15 से कटेगा, फिर आपका 30 से खुद कटेगा। 10 15 30 आपको लास्ट में समझ में आ गया होगा, और बस वही दोस्तों आपको बताना है 30 में किससे किससे भाग जाएगा, 1 2 3 5, ठीक है ना, फिर 6 10 15 और 30। अगर दोस्तों यहाँ पर खाली अभाज्य लिख जाए, 30 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, ठीक है ना, तो इसमें काफी चीजें हट जाएंगी। अभाज्य बताते हैं दोस्तों कौन कौन सी संख्या हटेगी, पहले हम आपको बताते हैं। अभाज्य का मतलब दोस्तों आपको यही हो जाएगा, 30 का आपको फिर फैक्टर करना पड़ेगा। कैसे दोस्तों, ये तरीका अपनाएंगे, फिर 15 बार जाएगा दोस्तों, फिर 3 5 15, फिर 5 1 5। तो दोस्तों जब अभाज्य की बात आएगी तो दोस्तों आपका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है ना, ये आपका अभाज्य गुणनखंड है। और दोस्तों जो ऐसे बात हो रही है नॉर्मल तरीका, वो आपने भी देख लिया, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि 30 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा आपका। जब 30 के गुणनखंड पूछा जाएगा सिंपल ही तरीका से, तो दोस्तों ये सब हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में दोस्तों जब बारी आएगी तो जो 6 है ना वो भाज्य संख्या होती है, 10 भी भाज्य संख्या है, ये सब बातें आपको ध्यान में देना पड़ेगा, 15 भी भाज्य है, 30 भी भाज्य है, तो ये अभाज्य हो गया दोस्तों, और ऊपर आपने देख लिया अभाज्य भाज का मिक्सअप। गुणनखंड में दोस्तों जब सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा तो आप ये तरीका अपनाएंगे। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, इसको देखते हैं हम लोग और इसको समझेंगे। देखिए आप लोग हर एक प्रश्न को समझ के चलिए, बिना समझिए दोस्तों अगर आप किसी भी प्रश्न को कर रहे हैं तो उसमें कोई आपको फायदा नहीं मिलेगा। 18 और 34 के उभयनिष्ठ दोस्तों आपको क्या बताना है, गुणनखंड बताना है, ठीक है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। उभयनिष्ठ दोस्तों भी आपने क्वेश्चन देखा होगा समापवर्तक का, देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ही होता है दोस्तों आपका समापवर्तक। तो समापवर्तक से आप समझ गए होंगे कि 18 और 34 के पहले हमें अपवर्तक निकालना पड़ेगा, जो भी मैच करेंगे वही दोस्तों आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। तो पहले 18 का अगर गुणनखंड आप निकालें, किससे किससे भाग जाएगा आपका 18 में, 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 18 कटेगा, 6 से कटेगा, और 9 से कटेगा, और 18 से कटेगा। अब 34 की दोस्तों बात करें, 34 1 से भाग जाएगा, 2 से 34 कट जाते हैं, ठीक है ना, फिर दोस्तों किससे कटेगा 34 आपको ये बताना है। 1 2 हो गया, 17 दूनी 34 होता है दोस्तों आपका, तो यहाँ 17 लिख लेंगे हम लोग, फिर दोस्तों लास्ट में आ जाएगा 34, ठीक है ना। 34 में दोस्तों ज्यादा संख्या से भाग तो जाता नहीं है, बात आपको अच्छे से पता है। तो हमें बताना था दोस्तों एक मतलब 18 और 34 के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है ना। तो उभयनिष्ठ में दोस्तों क्या क्या मैच कर रहा है आपको ये देखना है। जरा इसमें दोस्तों देखिए, आप 2 मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, और तो दोस्तों यहाँ पर कुछ मैच नहीं कर रहा है ना, इस बात को आपको देखिए समझना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप दोस्तों कर नहीं पाएंगे। तो जब बारी दोस्तों आती है आपके उभयनिष्ठ गुणनखंड की, तो आप बताइए यहाँ पर क्या क्या आंसर होना चाहिए, आप देख लोगे 1 भी हो गया दोस्तों, या 1 हो गया और 2 हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका आप जो आंसर करेंगे वो, और 1 और 2 ऐसे आप लिख सकते हैं कि जो इसके इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 और 2 है, या दोस्तों आप सिर्फ इसको 2 भी लिख सकते हैं। तो बस इसी को दोस्तों आप लोग आंसर कर दीजिएगा, ठीक है ना, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने निकाल लिया है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न, 12वां क्वेश्चन दोस्तों, और पूछा भी गया कि 12 के आपको अपवर्तक बताने हैं। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी के साथ अब कर सकते हैं। अब मतलब आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो आपका क्लियर हो रहा होगा कि अपवर्तक का मतलब होता क्या है। इसका मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे यार, इसका मतलब होता है गुणनखंड करना।
तो 12 के गुणनखंड आपको 200 कर देना सिंपली। तो क्या हो जाएगा, 12 में किससे किससे भाग जाएगा, एक से कट जाएगा, दो से जाएगा, तीन से जाएगा, ठीक है ना। चार तीन 12, छह दूनी 12 और 12, बस हो गया दोस्तों। ये कितना आसान प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं, अब देखेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न का 13 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, अपवर्तक तथा अपवर्त से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए अपवर्तक क्या होता है, इसकी परिभाषा पहले हम आपको बताते हैं। अपवर्तक कहिए दोस्तों, या इसको गुणनखंड हम कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपवर्तक का मतलब आपको गुणनखंड होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर। कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तब दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। जैसे देखिए दोस्तों 12 के अपवर्तक क्या क्या होंगे, उसको आपको हम बता देते हैं। 12 के अपवर्तक क्या क्या होंगे दोस्तों, आपका एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन से भी कट जाएगा 12, चार से भी कटेगा, छह से भी कटेगा और 12 से खुद कटेगा, ठीक है ना। कुछ अन्य अपवर्तक क्या, आपको उदाहरण दोस्तों हम दे देते हैं। जैसे तीन का अपवर्तक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तीन हो जाएगा। बात को आपको समझना है खाली। चार के अपवर्तक क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक से भी कटेगा चार, दो से भी कटेगा, चार से भी कटेगा। ये दोस्तों आपका अपवर्तक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसकी परिभाषा अगर आपको लिखनी है तो फिर से हम बोल दे रहे हैं, इसको आप जरा लिख लीजिएगा कि कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाती है तब दूसरी संख्या पहली संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है, ठीक है। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा 12, 3 और 4 का। अब दोस्तों बात आती है कि आपके अपवर्त क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपवर्त का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। किसी संख्या के गुणज या अपवर्त उस संख्या को किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है उस संख्या के गुणज या अपवर्त कहलाती है। जैसे दोस्तों चार के अपवर्त क्या होंगे बताइए आप। अगर हम दोस्तों आपसे कहें कि चार के अपवर्त आपको बता रहे हैं, चार के, ठीक है ना, अपवर्त आपको दोस्तों बताने क्या होंगे। इसमें दोस्तों हमने क्या बोला, आपको प्राकृतिक संख्या से गुणा करना होता है। जैसे दोस्तों हमें चार का अपवर्त निकालना, तो जैसे चार में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों जब चार में एक से गुणा करेंगे तो हमारा चार आ जाएगा। प्राकृतिक संख्या में दोस्तों एक के बाद दो से गुणा करेंगे तो चार के बाद क्या हो जाएगा, आठ आ जाएगा। चार में जब हम तीन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो चार के अपवर्त आएंगे, जैसे चार आ गया, आठ आ गया, 12 आ गया, वैसे दोस्तों जब अगली बार चार से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अपवर्तक, ठीक है ना, अपवर्तक का दोस्तों मतलब होता है गुणनखंड या फैक्टर, अपवर्त का मतलब होता है गुणज या मल्टीपल, ठीक है ना, बस यही होता है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्नों से ही आएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है। तो 14 नंबर दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा है कि समापवर्तक तथा समापवर्त को उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना है। तो देखिए जो समापवर्तक होता है दोस्तों आपका, ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर। तो पहले इसकी परिभाषा हम बताते हैं कि समापवर्तक या उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड या अपवर्तक हो। जैसे दोस्तों हम आपको बता दें 12, 16 तथा 40 के समापवर्तक अगर आपको ज्ञात करने हो, 12, 16 तथा 40 के आपको दोस्तों क्या निकाला है, समापवर्तक, ठीक है ना, समापवर्तक अगर आपको ज्ञात करना, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि 12 के अपवर्तक क्या होंगे। 12 का अपवर्तक का मतलब 12 का गुणनखंड आप बताइए। एक से कटेगा 12, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, चार से कटेगा, छह से कटेगा और 12 से कटेगा। वैसे दोस्तों आपका 16 किससे किससे कटेगा आपको ये बताना है। पहले दोस्तों आपका एक आता है, एक से 16 कट जाएगा, दो से कट जाएगा, चार से कटेगा, आठ से कटेगा और 16 से कटेगा। वैसे दोस्तों बारी आती है आपके 40 की, एक से भाग जाएगा, दो से जाएगा, फिर चार से जाएगा, ठीक है ना, फिर आठ से भी दोस्तों आपका कट जाएगा 40। आठ से पहले दोस्तों जरा आप सोचिए, पांच से भी तो कटता है ना, तो सीरियल से पहले लिख लीजिए नहीं तो गलती होगी आपसे। 5, 8, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा और 40 से खुद कटेगा। तो आपने दोस्तों सभी के अपवर्तक निकाल लिए, ठीक है ना। देखिए छोटी छोटी कंफ्यूजन होती है जो आप पेपर में गलती करके आते हैं, समापवर्तक, अपवर्तक, समापवर्त और अपवर्त में, तो सभी का दोस्तों आपने निकाल लिया। अब दोस्तों इसमें देखिए कि कुछ चीजें मैच कर रही होंगी, सभी में दोस्तों आपका एक दिख रहा है, ठीक है ना, एक तो मिल गया। दूसरे में दोस्तों दो दो दिख रहा है, सभी में दो भी है। अब इसमें चार है, यहाँ भी चार है और यहाँ पर भी चार है, और दोस्तों कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो इनमें समान अपवर्तक दोस्तों कौन कौन से आपको ये बताना है, जो हमारे समान, ठीक है ना, समान लिख लीजिए अपवर्तक, ठीक है। क्या क्या मैच कर रहा है दोस्तों हमारा, एक मैच कर रहा है, दो कर रहा है और चार कर रहा है।
ठीक है, हमें बताना था इसका समापवर्तक। अतः 12, 16 तथा 40 के समापवर्तक जो होंगे दोस्तों वो होंगे आपके 1, 2 और 4। ये हो गया हमारा समापवर्तक। अब बात आती है समापवर्तक को आपको उदाहरण से परिभाषित करना है। इसको दोस्तों समापवर्तक कहिए या उभयनिष्ठ अपवर्तक कहिए, ठीक है ना। तो कॉमन मल्टीपल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कोई संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ अपवर्तक कहलाती है यदि वह प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। जैसे दोस्तों 5 और 8 का उभयनिष्ठ अपवर्तक ज्ञात करना है। अगर दोस्तों हम आपसे बोले कि 5 और 8 का अपवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है, या उभयनिष्ठ अपवर्तक या समापवर्तक कहिए, ठीक है ना, समापवर्तक कह सकते हैं आप। 5 और 8 का समापवर्तक ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले दोस्तों 5 का गुणज आप बताइए क्या क्या होगा। जब आप इसमें 1 से गुणा करेंगे, 5 एक 5, 5 दूनी 10, 5 3 15 लिखते जाएंगे दोस्तों सीरियल से, 5 चौके 20, 5 25, ठीक है। वैसे दोस्तों जब 8 का आपको निकालना पड़ेगा तो 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 8 5 40, ठीक है, 8 6 48, ऐसे आप बढ़ते जाएंगे। अब जरा 5 से और आगे जाइए, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, ठीक है। हम 40 तक क्यों गए आपको बताते हैं। सबसे छोटा जो इसमें दोस्तों उभयनिष्ठ अपवर्त आ रहा, जो मैचिंग कर रहा, तो यहाँ पे 40 आ रहा ना, 5 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में भी 40 आ रहा है। तो दोस्तों जो उभयनिष्ठ अपवर्त होगा हमारा वो 40 होगा, तथा सबसे बड़ा निश्चित नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा क्या होगा वो तो निश्चित नहीं है, लेकिन सबसे छोटा दोस्तों हमारा जो होगा वो 40 होगा, ये हमारा आंसर होगा। तो उभयनिष्ठ दोस्तों अपवर्त या समापवर्त आप निकालना सीख गए होंगे और समापवर्तक निकालना सीख गए होंगे, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि 12 तथा 16 के समापवर्तक आपको लिखने हैं, क्या होगा। जैसे दोस्तों अभी आपने इस प्रश्न में देखा समापवर्तक आपको कैसे निकाला जाता है। उम्मीद करेंगे दोस्तों इसके अपवर्तक निकाल लेंगे आप लोग। जैसे 12 और 16 की बात आई, 12 का दोस्तों क्या हो जाएगा, 12 का भाग किससे जाएगा, 1, 2, 3, 4, 6 और 12 से भाग जाएगा ना, इसको गुणनखंड आ गया या अपवर्तक कह सकते हैं। 16 के दोस्तों जो अपवर्तक होंगे 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से कटेगा दोस्तों और 16 से कटेगा। अब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि इसके जो समापवर्तक दोस्तों आएंगे वो क्या क्या होंगे, ठीक है ना। तो आप दोस्तों बताइए, गेस करिए इसका क्या होगा। अब जरा इसमें मैचिंग देखिए क्या क्या मैच हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है और 4 हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो इसके समापवर्तक होंगे आप ऐसे उत्तर में लिखेंगे इसके समापवर्तक अच्छे करके, ठीक है ना, 1, 2 और 4। बस आसान था प्रश्न, उम्मीद करेंगे अब आपको समझ में आने लगा होगा। अगला प्रश्न जरा देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, 24 और 36 के समापवर्तक ज्ञात करिए। अभी दोस्तों हमने समापवर्तक निकाला, अब दोस्तों हमें समापवर्त बताना है 24 और 36 के, ठीक है ना। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करिए जरा 224 एकम 24, ठीक है ना। अगर आपको 24 का पहाड़ा नहीं आता तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले 224 का गुणा आप 1 से करेंगे, फिर 24 का गुणा दोस्तों आप 2 से करेंगे, फिर 24 का गुणा आप 3 से करेंगे, ऐसे दोस्तों आप सीरीज करके करते जाएंगे, ठीक है ना। जहां तक आपका मन करे कम से कम 206 तक आप कर सकते हैं। 24 गुणे 4, 24 गुणे 5, 24 गुणे 6, पहाड़ा नहीं आता तो दोस्तों आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। 24 एकम 200 हो जाएगा 24, फिर 24 दूनी होता है आपका 48, 24 48 होता है ना, फिर 24 या 200 हो जाएगा आपका 72, फिर 24 चौके दोस्तों होता है आपका 4 चौके 16, 4 दूनी 8 एक 9, 96, 24 पंजे दोस्तों हो जाएगा आपका 120, फिर 24 छंगे दोस्तों हो जाएगा 6 चौके 24 का 4, 6 दूनी 12, 144। 36 का दोस्तों क्या करेंगे, सेम दोस्तों ये कंडीशन इसमें भी, 36 का सबसे पहले क्या करेंगे, 36 गुणे 1 करेंगे, फिर 36 गुणे 2 करेंगे सीरीज से दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ 36 है जरा ध्यान दीजिएगा, फिर 36 गुणे हम 3 करेंगे, 36 गुणे 4 करेंगे, 36 गुणे 5 करेंगे, ठीक है, 6 बार तक इसको भी आप कर सकते हैं। पहले जब 36 का गुणा 1 बार किया तो हमारा आ गया 36, फिर दोस्तों जब 2 बार करेंगे तो 72 आ जाएगा, 3 बार दोस्तों जब गुणा हो जाएगा तो 3 6 18, ठीक है ना, फिर 3 3 का 9 1 10 हो जाएगा, फिर 4 बार दोस्तों करेंगे तो 4 6 24 का 4, 4 3 12 2 14, फिर 5 बार करेंगे 5 6 30 का 0, 5 3 15, 3 18। अब जरा दोस्तों समापवर्त में हम इसमें कॉमन देखेंगे दोस्तों क्या क्या मैच कर रहा है, दोस्तों दोनों में क्या क्या मैच हो रहा है। एक यहाँ देखिए 72 आ रहा है, यहाँ भी 72 आ रहा है, यहाँ 144 आ रहा है, यहाँ भी 144 आ रहा है, तो हम इसके समापवर्त बताने थे। तो बस ये लिख लीजिएगा दोस्तों जो जो मैच कर रहा है और आगे आप कर सकते हैं गुणा। तो इसका जो समापवर्त हम स्टार्टिंग में लिख देंगे हमारा दोस्तों आ जाएगा 1 72 मैच हो रहा है, 1 144 मैच हो रहा है। तो दोस्तों 200 बहुत ही मतलब सफिशियंट है, 202 आंसर आप अगर कर देते हैं तो 72 और 144, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा समापवर्तक कैसे निकालते हैं और अपवर्तक कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, समापवर्तक मतलब।
अपवर्तक तो आप समझ गए होंगे, बेसिक सी परिभाषा होती है, समापवर्तक और समापवर्तक निकालना आपको सीखना है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या है हमारा, कि 17 नंबर क्वेश्चन, 6, 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन देखिए दोस्तों थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है आपको फंसाने के लिए, लेकिन आपने हमारी वीडियोस देखी होगी दोस्तों, समझ में आ गया होगा। उभयनिष्ठ गुणज का मतलब ही होता है आपका समापवर्त्य। जी हाँ दोस्तों, जो आप ये निकाले थे भी समापवर्त्य, इसी को ही हम बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणज या कॉमन मल्टीपल। तो जब 6, 10 और 15 का उभयनिष्ठ गुणज निकाला हो, तो 6 का दोस्तों आप क्या करेंगे, 6 कम 6 होता है, एक बार गुणा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, ठीक है ना, 6 छंग 236, ऐसे आप करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आपका जहां तक मन करे दोस्तों आप निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ कम से कम आप एक दो तो कॉमन आपको निकालना ही पड़ेगा। अभी ये मत सोचिएगा कि हम एक भी ना निकालें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपकी 10 की, 10 का पहाड़ा एक बार 10 बार, मतलब एक बार के 10 एक कम 10 होता है, 10 दूनी 20, 10 तीन 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक ले जाते हैं दोस्तों। फिर बारी दोस्तों क्या की आती है 15 की, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90। देखिए दोस्तों 90 90 में मैच कर गया, 36 में भी दोस्तों आपको पता है कि पहाड़ा में 90 आएगा, 42 6 48 54 और 60, ठीक है दोस्तों 60 तक हम गए। तो क्या क्या मैच करा जा रहा है इसको देखते हैं हम लोग। 30 दोस्तों यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है ना, सही से देखते हैं, 30 यहाँ भी आ रहा है, 30 यहाँ भी आ रहा है, 30 यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है उभयनिष्ठ गुणज। 30 के बाद दोस्तों जरा देखिए 60 यहाँ पर भी आ रहा है, 60 यहाँ पर भी आ रहा है, 60 यहाँ पर भी आ रहा है, और जब 6 के पहाड़े में हम लोग आगे जाएंगे तो 90 भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल हम दो ठो उभयनिष्ठ गुणज लिख देते हैं, क्या क्या दोस्तों हमारा मैच कर रहा है उसको लिखते हैं। 30 हो गया दोस्तों आपका, 60 हो गया, लेकिन दोस्तों आगे आप पहाड़ा पड़ेंगे तो 90 भी आ जाएगा, लेकिन चलिए 30 और 60 लिख देते हैं फिलहाल, और आप आगे तक करना चाहे तो कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप करना सीख गए होंगे कि 6, 10, 15 का उभयनिष्ठ गुणज कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात होती है दोस्तों, जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्या से आप गुणा करते जाते हैं बस। अब दोस्तों देखेंगे अगला पार्ट और उसमें कुछ चीजें और सीखेंगे। तो फिलहाल दोस्तों ठीक है, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए अगर आपके समापवर्तक अपवर्तक समापवर्त्य अपवर्त्य में अगर कुछ भी प्रश्न आप बनेगा तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्ट।